नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल Inside Interiors में। एक बार फ्रेंड्स फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरी पुरानी वीडियोस पसंद आई होगी, और जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो देट हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे उससे। और सेकेंडली बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, सो देट जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। सो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज नई वीडियो के साथ में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो हमारा एक्सटर्नल क्लैडिंग से रिलेटेड है। तो फ्रेंड जो भी मतलब अपने घर पे बिल्डिंग में कहीं या कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल किसी भी एरिया में अपना आउटर डिजाइनिंग का काम करवाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहेगा। बात करूं फ्रेंड्स आज मैं ACP और HPL शीट्स के बारे में। मार्केट में आपने देखा होगा या हो सकता है आपने अभी तक नाम भी सुना हो, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक नाम भी नहीं सुना। सो फ्रेंड्स इसका बेनिफिट की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार लगाने के बाद में हमें पेंट या और दूसरे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल जितनी कोठियों वगैरह पे आप देख रहे हैं, जहां पर भी आप देख रहे हैं कि वुडन लुक आई हुई है वॉल के ऊपर, वो HPL शीट या ACP शीट का वर्क हो रखा है, उसकी वजह से वो वुडन लुक की। मैं उन्हीं शीट्स की बात आज आपसे कर रहा हूं। और जो सबसे मेरा मेन रहेगा कि हम ACP शीट का यूज करें या HPL शीट का यूज करें, इन दोनों के बीच में वेरिएशन क्या है, क्या इनके बीच में कॉस्ट का वेरिएशन आता है, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दूंगा। सो देट आपको जब भी आप अपना काम करवाएं या प्लान कर रहे हैं तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हो जाए कि हमारा इतना खर्चा आने वाला है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं बात करता हूं HPL शीट के बारे में। एज द नेम सजेस्ट HPL हाई प्रेशर लैमिनेट्स हम इनको बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है कि जो ये लैमिनेट्स हम लोग तैयार करते हैं ये बहुत हाई प्रेशर में तैयार होते हैं। अगर मैं इसकी थिकनेस की बात करता हूं तो मार्केट में यूजुअली ये 5mm, 6mm, 8mm, 12mm में अवेलेबल होता है, लेकिन मैक्सिमम घरों में या जहां पर भी स्पेस पे हम लोग इसको मैक्सिमम जगह पर यूज करते हैं तो हम 6mm वाला यूज करते हैं। देखिए दो टाइप से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक सैंपल मैं आपको दिखाता हूं, मेरे पास में अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं HPL शीट का, एलस्टोन कंपनी का सैंपल है। अगर मैं बात करूं कंपनी की तो नंबर वन कंपनी है HPL शीट्स के अंदर। अगर हम बात करते हैं बेस्ट जो है प्रोडक्ट ये एलस्टोन प्रोवाइड करती है। वारंटी की हम लोग इसकी बात करते हैं तो 10-12 ईयर्स वारंटी जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। ये भी अलग अलग रेंज में आती है। देखिए इसमें एक 10 ईयर्स वारंटी में आती है, 12 ईयर्स वारंटी में आती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं एक आइडिया आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा कॉस्ट का वेरिएशन होता है 10 ईयर्स और 12 ईयर्स की वारंटी में। सो फ्रेंड्स अब इसके मटेरियल की हम लोग बात करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। ये यहां पर अगर आप देखेंगे इसमें तो इसके बीच के अंदर हमारा रेजिन का पेपर और रेजिन का मिक्सचर है। मैं गौर से आपको इसका थोड़ा सा सेक्शनल कट ऑफ व्यू भी दे दूंगा वीडियो में। इसके ऊपर और नीचे जो है मेरी एल्यूमिनियम की कोटिंग हो रखी है, आप देखेंगे अगर आपको दिख रहा होगा तो एल्यूमिनियम कोटिंग और बीच में इसके पेपर और रेजिन का मिक्सचर है। बेसिकली अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये पेपर एंड रेजिन का मिक्सचर होता है जो हमारा HPL शीट बनती है। इसमें 50-60% हमारा पेपर का यूज होता है और 30-40% हमारा रेजिन का यूज होता है। जो हमारा रेजिन इसके अंदर मिक्स हो रहा है, अगर टेक्निकली मैं जाता हूं तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का यूज करते हैं हम लोग इसमें। और देखिए इसके ऊपर जो लेयरिंग हमने की हुई है, आपको मैं इसका थोड़ा सा टेक्सचर का भी दिखा देता हूं, वुडन टेक्सचर का आप देखेंगे इसके ऊपर, ये वुडन टेक्सचर इस पे हो रखा है। मैंने जानबूझ के नहीं हटाया क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है इसी तरीके से आपको मार्केट में मिलेगा। और इसके जो इसके ऊपर रैपिंग की हुई है, रैपिंग हटाकर हम इसको फाइनल फिनिश देते हैं। तो फ्रेंड्स हम दोबारा से बात करते हैं मटेरियल को लेकर। ये दो तरीके से अवेलेबल होती है, एक तो इसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, इसकी थिकनेस जाती है 6mm की, और एक होती है जिसपे एल्यूमिनियम की कोटिंग नहीं होती, उसके ऊपर कोटिंग होती है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड की, वो भी एक रेजिन होता है जो उसके ऊपर फिनिश देने के काम आते हैं। जो हम लोग आपने नाम वैसे सुना भी होगा मार्केट में, मेलामाइन एक पॉलिश भी होती है जो यूजुअली हम लोग वुड के केस में यूज करते हैं एक फाइन फिनिश देने के लिए, बहुत ग्लॉसी लुक देने के लिए। तो सेम वही चीज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का जो रेजिन की हम लोग बात करते हैं वो इसके ऊपर यूज होता है। ये मेरे पास में अभी मेरे पास देखिए मेलामाइन कोटिंग का सैंपल नहीं है, एक सिंगल सैंपल है, बट मैं इसी से आपको कोशिश करूंगा कि शायद आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी ये क्या है। तो ये दो तरीके से अवेलेबल होता है, जो मेलामाइन वाली अगर हम जिसपे एल्यूमिनियम की कोटिंग नहीं है उसकी थिकनेस 5mm की होती है। बट प्रेफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग प्रेफरेंस आजकल एल्यूमिनियम कोटेड की लेते हैं, एल्यूमिनियम कोटेड HPL शीट्स इनको बोलते हैं। इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बिंग की अंदर पेपर एंड रेजिन की स्ट्रेंथ होगी लैमिनेट में और बाहर दोनों साइड में मेरे जो है
इसके ऊपर एल्यूमिनियम की कोटिंग हो गई। अब बात करते हैं दूसरी की, एक साइड में तो मेरे को टेक्सचर मिलता है जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, दूसरी साइड में ये प्लेन होते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोनों साइड में टेक्सचर भी ले सकते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है क्योंकि एक साइड जो है हमारी वो कवर हो जाती है वॉल की ओर। पाइप्स जो होते हैं हमारे एल्यूमिनियम या जीआई पाइप्स का हम लोग यूज करते हैं इनकी इंस्टॉलेशन के लिए, और एक अच्छी बात यह कि कंपनी इनके लिए जैसे 10-12 इयर्स की वारंटी देती है, इनका इजिली जो है टेक्सचर फेड नहीं होता है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एचपीएल शीट। आपने देखा होगा बहुत जगह पर हल्का हल्का रंग फेड हो जाता है, तो उसका रीजन क्या होता है कि आप कोई लोकल ब्रांड की एचपीएल शीट ना यूज करें, क्योंकि अगर आप वो यूज करेंगे तो हो सकता है शायद 6 महीने साल भर में उनका शेड या उनका टेक्सचर जो है फेड हो जाए, वो फेड होने के बाद में उनको बिल्कुल बेकार लुक हो जाएगी। आपने जितने पैसे लगाए वो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। सो बेटर गो फॉर ब्रांड कंपनी। एलोमैक्स की भी आती है, एल्विन डिकोर की आती है, तीसरी हम एलस्टोन की बात करते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो मेरा पर्सनल रहा है वो मैं एलस्टोन को देता हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत रिच क्वालिटी का ये लोग यूज करते हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, ये तो है मेरा एचपीएल शीट के बारे में। अब इसके कंपैरिजन में मैं बात करता हूँ, दूसरी जो शीट की बात करता हूँ वो मैं लेता हूँ एसीपी शीट। एज द नेम सजेस्ट, अगर मैं बात करूंगा इसमें एल्यूमिनियम कोटेड पैनल। सी फ्रेंड्स, अगर आप देख पा रहे हैं इसको, तो एक सैंपल है मेरे पास में छोटा सा इसका एसीपी का, और थिकनेस की अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये 4 mm थिकनेस में अवेलेबल है। अब देखेंगे इसमें इसमें भी दोनों साइड में बहुत थिन लेयर जो है एल्यूमिनियम कोटिंग का हमने यूज किया हुआ, लेकिन एचपीएल और एसीपी की थिकनेस में फर्क होता है। यही सबसे इसका मेजर फर्स्ट नंबर वन वेरिएशन जो आता है एसीपी और एचपीएल शीट में, कि ये 3 mm और 4 mm में अवेलेबल होती है, और एचपीएल शीट जो अवेलेबल होती है वो 6 mm में अवेलेबल होती है। अगर कोई आपको कहता है कि ये 3 mm में एचपीएल शीट है तो वो नहीं है, वो चीज गलत हो जाएगी। तो मेक श्योर कि जब भी आप खरीदे तो आपको ये वेरिएशन का पता होना चाहिए कि भाई एचपीएल शीट कौन सी है और एसीपी शीट कौन सी है। अब फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं इसकी। वैसे तो हम लोग एसीपी शीट का यूज करते हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज करते हैं ज्यादा, बट हम लोग अपने घर पे रेजिडेंशियल में भी इसको यूज कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज जो एसीपी शीट का मैं आपको बता रहा हूं मेजर जो है, इनका कलर जो है, इनका टेक्सचर जो है, उसके फेड होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एचपीएल शीट। सेकेंड नंबर, कंपनी इनके लिए देखिए वारंटी नहीं देती है कि एसीपी शीट का टेक्सचर फेड हो जाएगा तो ये रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस नहीं होती है, इनके लिए कोई वारंटी नहीं होती है। आपने यूज कर लिया, ऐसा हो सकता है कि साल डेढ़ साल में जैसे ही सन के कांटेक्ट में ज्यादा रहेंगी इनका टेक्सचर इनका कलर फेड हो जाएगा। बहुत वेराइटीज में प्लेन मल्टी कलर्स और टेक्सचर्स में अवेलेबल होती है ये। हाँ, आप इनको यूज कर सकते हैं इंटरनली। आप कहीं पर अपना कोई पार्टीशन, लास्ट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस वीडियो में मैंने इसको एल्यूमिनियम के साथ में भी बताया हुआ है, आप कोई पार्टीशन यूज कर रहे हैं या इंटरनली आप लोग सीलिंग में इसको यूज कर रहे हैं, आप इसको वहां पर यूज कीजिए जहां पर डायरेक्ट सनलाइट का कांटेक्ट नहीं है, जहां पर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है सनलाइट का, वहां पर ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे, इनके टेक्सचर्स फेड नहीं होंगे। लेकिन आप अगर इसको यूज करें डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में, बाहर एक्सटीरियर में फसाड में इसको यूज कर रहे हैं, तो वहां पर शायद कुछ टाइम के बाद में आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग सकती है। सो मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज में है कि आप इसमें अगर बाहर के लिए रेजिडेंशियल उसमें यूज कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्क्वायर फीट एरिया नहीं है, तो वहां पर आप एचपीएल शीट का यूज कीजिए। हाँ, आपको लगता है देखिए कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एचपीएल इसकी कॉस्ट में फर्क आता है। अब मैं बात करता हूं कि इसकी इंस्टॉलेशन की बात करता हूं मैं, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो ये 270 से लेके 290-300 रुपीस तक में विद इंस्टॉलेशन ये शीट एसीपी शीट लग जाती है। मतलब इसमें लेबर मटेरियल एंड ऑल इन ऑल आपको मतलब कंप्लीट इंस्टॉलेशन करके जो भी एक्सपर्ट होगा वो इसके लिए दे देगा। और अगर मैं एचपीएल शीट की बात करता हूं तो एचपीएल शीट की जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट जाती है दैट गोज टू अप्रोक्सीमेटली 350-360 मतलब 370-380 रुपीज तक आराम से चली जाती है। मैं 6 mm के केस में बात कर रहा हूं। अगर आप एचपीएल शीट 8 mm पे जाते हैं या 12 mm पे जाते हैं, हालांकि इसका बहुत रेयरली यूज होता है 8 mm या 12 mm का, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में उसका कॉस्ट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। 150-200 रुपए अगर 8 mm का यूज करते हैं तो शायद 150-200 और प्लस चले जाए, और अगर आप 12 mm पे जाते हैं उसकी कॉस्ट और भी बहुत हाई चली जाएगी, जो लाइक इकोनॉमिकल रेंज से बाहर चली जाती है। तो माय पर्सनल ओपिनियन एंड प्रेफरेंस दैट गो फॉर 6 mm शीट, दैट इज इनफ फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ।
और एक बेस्ट पार्ट मैं आपसे एसीपी के केस में बात करता हूँ, इसके एडवांटेज क्या है कि हम इसको 45 डिग्री तक हम लोग इसको बेंड कर सकते हैं, ये शीट हमारी बेंड हो जाती है। लेकिन अगर हम एचपीएल शीट की बात करते हैं तो एचपीएल शीट हमारी बेंड नहीं होती, क्योंकि इसकी एक तो थिकनेस बहुत ज्यादा होती है और बहुत हाई प्रेशर में तैयार होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि इसको मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सेकंड डिफरेंस की मैं बात करता हूँ, एचपीएल शीट में हम लोग सिर्फ रिबिटिंग कर सकते हैं, जब भी इंस्टॉलेशन होगा तो ये रिबिट्स के थ्रू ही इंस्टॉल होता है। हाँ, एसीपी शीट्स की एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि हम इसमें अगर रिबिट का नहीं भी यूज करते हैं और हम इसको 3M टेप से भी अगर लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ लेता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा एसीपी और एचपीएल शीट्स के बीच का वेरिएशन। आशा करता हूं आपको ये चीजें आसानी से समझ में आई होंगी कि एसीपी शीट्स क्या होती है, एल्यूमिनियम कोटेड पैनल, एंड एचपीएल होता है हाई प्रेशर लैमिनेट्स। सबसे मेजर इनके बीच में थिकनेस का वेरिएशन होता है, और दूसरा एसीपी शीट्स को हम बाहर एक्सटीरियर में कम यूज करेंगे, प्रेफरेंस हमें रही है, और एचपीएल शीट को हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी अगर रंग फेड भी होता तो कंपनियां आपको रिप्लेस करके वो प्रोडक्ट देगी, 10-12 इयर्स वारंटी के साथ में आपको ये प्रोडक्ट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, हम उसको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की अच्छे से कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।